गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, अपने इस बार पॉलिटिकल साइंस की दो बुक है, जिनमें से फर्स्ट बुक जो है उसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति और सेकंड बुक जो है उसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। जिसमें से अपने समकालीन विश्व राजनीति वाली बुक है वो अपने कंप्लीट हो चुकी है, उसके अपने टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। और अपने सेकंड बुक जो है स्वतंत्र भारत में राजनीति, यह बुक अपने स्टार्ट कर रखी है। इस बुक में अपना कौन सा चैप्टर चल रहा है? तीसरा चैप्टर चल रहा है। चैप्टर का नाम है भैया नियोजित विकास की राजनीति, जिसकी अपने दो क्लास हो चुकी है। आज अपने तीसरी क्लास की चर्चा करेंगे। देखो, अपने सेकंड जो क्लास थी उसमें भैया अपने योजना आयोग है, नीति आयोग है, बॉम्बे प्लान है, और इसके अलावा अपने जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसकी चर्चा अपने कर चुके हैं। आज भैया अपने आगे बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की। देखो भैया, अपने फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, भैया पंचवर्षीय योजना मैंने आपको बताया ऐसी योजना है जो कितने साल के लिए बनती है, 5 साल के लिए बनती है, वो क्या कहलाती है? पंचवर्षीय योजना कहलाती है। और भारत ने यह पंचवर्षीय योजना, ये जो नियोजन की प्रक्रिया है वो कहाँ से अपनाई थी? सोवियत संघ से या रूस के द्वारा अपनाई थी। और भारत ने पहली पंचवर्षीय योजना, आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, 1951 से लेकर कब तक बनी थी? 1956 तक बनी थी भैया, ठीक है। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना की बात कर चुके हैं, फिर 5 साल जोड़ दो, 5 साल का मतलब 56 से लेकर कब हो गई? 61 में हो गई। तो अपने दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो टाइमिंग है वो क्या हो गया? 1956 से लेकर 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी थी। अब यह इस पंचवर्षीय योजना में देखो किसके ऊपर बल दिया गया, क्या मेन कार्य किया गया? इसकी अवधि आपको पता है 1956 से लेकर क्या हो गई? 1961 ईस्वी तक। और इस पंचवर्षीय योजना में किसके ऊपर बल दिया गया था? उद्योगों पर या औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है भैया इसके ऊपर बल दिया गया। देखो, अपने लास्ट वीडियो में बात की थी प्रथम पंचवर्षीय योजना की, उसमें भैया जोर किस पे दिया गया था? कृषि के ऊपर बल दिया गया था, कृषि पर जोर दिया गया था। लेकिन इसमें किसके ऊपर बल दिया जा रहा है? उद्योगों पर बल दिया जा रहा है कि अधिक से अधिक उद्योग धंधों की स्थापना करो, औद्योगिकरण को बढ़ावा दो, भारी भारी उद्योगों का विकास करो। इस प्रकार का विकास के ऊपर या इस प्रकार की प्रक्रिया पर बल कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया? द्वितीय। देखो मोटा मोटा ध्यान रखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पे बल दिया गया? कृषि के विकास पे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसके विकास के ऊपर बल दिया गया? उद्योगों के विकास पर। आगे बात करते हैं भैया, इस पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो है वो किसने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस ने, जबकि पहले पंचवर्षीय योजना का केएन राज ने किया था। भैया आपको जब मैंने पहले पंचवर्षीय योजना पढ़ाई थी फर्स्ट वीडियो में, उसमें थे केएन राज, उनके द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया गया था। जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो है वो किसने तैयार किया है? पीसी महालनोबिस ने तैयार किया है। और भैया इस पंचवर्षीय योजना में कौन सी में? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तेज गति से विकास पर बल दिया गया है, जबकि पहली पंचवर्षीय योजना में धीरे धीरे विकास पर बल दिया गया है। ध्यान देना भैया इन बातों पर, देखो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना इनको। पहली पंचवर्षीय योजना के एन राज, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस, पहली में कृषि पर, दूसरी में उद्योगों पर, पहली में धीरे धीरे विकास और दूसरी में तेज गति से विकास, ठीक है। इसमें भैया देशी उद्योगों को संरक्षण दिया गया। देशी उद्योग जो अपने भारत में जो छोटे मोटे उद्योग है, कुटीर उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, इनके संरक्षण पर बल दिया गया। मतलब अधिक से अधिक इनका क्या किया जाए? संरक्षण किया जाए, इनका विकास किया जाए। और इनका संरक्षण करने के लिए, इनका विकास करने के लिए क्या किया गया? आयात पर भारी शुल्क लगा दिया। मतलब हम दूसरे देशों से जो सामग्री आयात करते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में शुल्क लगा दिया, टैक्स लगा दिया, ताकि आयात क्या हो सके? कम से कम हो सके। आयात कम होगा तो इससे क्या होगा भैया? अपने जो देशी उद्योग है उन देशी उद्योगों का विकास होगा, उनका संरक्षण होगा, उनमें वृद्धि होगी, उनमें एक प्रकार से सुधार होगा। आगे देखो, इस पंचवर्षीय योजना में बिजली, रेलवे, इस्पात, संचार, इन क्षेत्रों के ऊपर भी जोर दिया गया। तो भैया ध्यान रखना, दोनों को देखो कंपेरेटिव करके पढ़ो। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, पहली 1951 से 56, दूसरी 56 से 61। पहली के एन राज, इसके पीसी महालनोबिस, पहली में कृषि पर, इसमें उद्योगों पर, पहली में धीरे धीरे विकास पर बल और इसमें तेज गति से विकास पर बल। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं भैया आगे, अपना सेकंड टॉपिक आता है भैया केरल मॉडल।
एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है केरल मॉडल क्या था, तो अपने को थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। केरल भैया अपने राज्य है, स्टेट है, दक्षिण भारत में है, सबको पता है। देखो भैया केरल में विकास और नियोजन, इन दो वर्ड को पकड़ लेना बस। केरल में विकास और नियोजन के लिए जो प्रक्रिया अपनाई या जो प्रारूप अपनाया या जो सिस्टम अपनाया या जो प्रणाली अपनाई, उसे ही क्या कहते हैं भैया, केरल मॉडल कहते हैं। समझ गए? मतलब केरल जो राज्य है, इस केरल राज्य ने क्या करने के लिए, अपने राज्य का विकास करने के लिए और नियोजन की प्रक्रिया अपनाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई, जो एक प्रकार से प्रारूप अपनाया, जो प्रणाली अपनाई, उसी को क्या कहते हैं, केरल मॉडल। इस केरल मॉडल में भैया देखो क्या हुआ, इस मॉडल के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, गरीबी उन्मूलन पर क्या दिया गया, बल दिया गया। और आप सब जानते हो भैया, आज भी अपने केरल जो है वो साक्षरता के मामले में, चिकित्सा के मामले में अपने देश में टॉप पोजिशन पर है, पहली पोजिशन पर है। अब बात करते हैं भैया, प्रथम पंचवर्षीय योजना हो गई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो गई, दोनों पंचवर्षीय योजना हो गई, लेकिन इन पंचवर्षीय योजनाओं के साथ ही एक मुख्य विवाद भी खड़ा हो गया, और वह मुख्य विवाद क्या था, कृषि बनाम उद्योग, कि कृषि मेन है या उद्योग मेन है, इस बात को लेकर अपने यहाँ पर एक विवाद उठ खड़ा हुआ। देखो क्या हुआ, यह बड़ा सवाल था कि कृषि तथा उद्योग में से किसमें ज़्यादा संसाधन लगाए। पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो गई भैया, पहली योजना में कृषि के ऊपर खर्च कर दिया, दूसरे में किसके ऊपर कर दिया, अपने उद्योगों पर कर दिया। अब यहाँ के जो अर्थशास्त्री थे, जो अपने एक प्रकार से विशेषज्ञ थे, उनके सामने ये सवाल आने लग गया कि अपने ज़्यादा जो संसाधन है, अपने जो ज़्यादा खर्चा है या अपने जो ज़्यादा पैसा है, वो किस पे लगाएं, कृषि पे लगाएं या उद्योगों पे लगाएं। इस बात को लेकर एक प्रकार से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। देखो कुछ लोगों का तर्क था, कुछ लोगों ने क्या तर्क दिया कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, इसमें किसकी उपेक्षा कर दी गई, कृषि की उपेक्षा कर दी गई। और सही बात है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भैया कृषि पे ध्यान नहीं दिया गया था, किस पे ध्यान दिया गया था, उद्योगों पे ध्यान दिया गया था। तो कुछ लोगों ने कहा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसकी उपेक्षा कर दी गई, कृषि की उपेक्षा कर दी गई, कृषि के विकास का अभाव था, मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास के ऊपर कोई जोर नहीं दिया गया, जिससे क्या हुआ, ग्रामीण इलाकों को क्या हुआ, नुकसान हुआ। ग्रामीण इलाकों को क्यों हुआ भैया, क्योंकि भारत की 70% जनसंख्या कहाँ निवास करती है, गाँव में निवास करती है, और गाँवों के लोगों की मुख्य आजीविका या प्रमुख जो कार्य होता है वह क्या होता है, कृषि करना। ठीक है, तो कुछ लोगों ने यह तर्क दिया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के ऊपर बिल्कुल भी खर्च नहीं किया गया, कृषि के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से कृषि पिछड़ गई, ग्रामीण इलाकों में क्या हुआ, नुकसान हुआ, तथा शहरी क्षेत्र क्या हुए, समृद्ध हुए, शहरी क्षेत्र समृद्ध हुए, उनका विकास हुआ। विकास क्यों हुआ, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में भैया किसकी स्थापना हुई, उद्योगों की स्थापना हुई। गाँवों को लाभ नहीं मिला, गाँवों को क्या नहीं मिला, लाभ नहीं मिला। अब इस पंक्ति को देखना भैया, शहरी क्षेत्र समृद्ध हुए, गांवों को लाभ नहीं मिला, यह पंक्ति किसने कही थी, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना, किसने कही थी भैया, चौधरी चरण सिंह ने कही थी कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है, इस दूसरी पंचवर्षीय योजना से शहरी क्षेत्र समृद्ध हुए, गांवों को लाभ नहीं हुआ। यह पंक्ति किसने कही थी, चरण सिंह ने कही थी। भैया शहर समृद्ध क्यों, ये सीधी सी बात है, उद्योग धंधों की स्थापना कहां पर होगी, शहरों में होगी, तो शहर तो समृद्ध होंगे, शहरों का तो विकास होगा ही होगा, गाँव का विकास नहीं हुआ। तो यह बात किसने कही थी, चौधरी चरण सिंह ने कही थी, जिनको भैया किसानों का मसीहा, किसानों का नेता अपने कहा जाता है। 23 दिसंबर को इनका जन्मदिन आता है, जो किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। थोड़ा सा और बता दूं इनके बारे में भैया, चौधरी चरण सिंह जो थे वो ये चाहते थे कि कृषि जो है वो कौन सी सूची में आए, केंद्र सूची में आए, केंद्र सूची में कृषि को रखने की मांग करने वाले ये पहले नेता थे, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, लेकिन बाद में ये कांग्रेस से अलग हो गए और इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली, जिसका नाम रखा था भारतीय लोकदल। ठीक है, कौन थे, चौधरी चरण सिंह। यहाँ तक क्लियर है, आगे बात करते हैं भैया। अब कुछ लोगों ने अलग तर्क दिया, कुछ लोगों का मानना था कि औद्योगिक विकास के बिना गरीबी से मुक्ति नहीं मिल सकती। अब इन्होंने तो कह दिया कि भाई साहब औद्योगिक विकास नहीं करो, कृषि के ऊपर बल दो। अब ये उद्योगों वाले हैं ना, ये कह रहे हैं कि नहीं,
अपने को क्या करना है, औद्योगिक विकास करना है। क्यों? क्योंकि औद्योगिक विकास करने से ही क्या होगा, गरीबी से मुक्ति मिलेगी। अगर औद्योगिक विकास नहीं करोगे तो गरीबी से मुक्ति नहीं मिलेगी। इनका ये मानना था कि उद्योगों की स्थापना होगी, उद्योगों की स्थापना होगी तो लोग जो होंगे, गरीब लोग जो होंगे उनको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। उनको रोजगार मिलेगा तो देश से क्या होगी, गरीबी दूर होगी। ठीक है, राज्य ने भूमि सुधार कानून बनाए। राज्य ने क्या किया, भूमि सुधार कानून बनाए, सिंचाई परियोजनाएं बनाई, लेकिन लाभ नहीं मिला। कुछ लोगों का यह मानना था कि अपने राज्य के द्वारा जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, इनमें अपने कई भूमि सुधार के कानून बनाए, जैसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं बनाए थे, सिंचाई परियोजनाएं बनाई, जैसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं भाखड़ा नांगल बांध के ऊपर बल दिया गया था, लेकिन लोगों को लाभ नहीं मिला। देखो भैया, अपने ये एक प्रकार से भारत का दुर्भाग्य ही मान लो। अपने यहाँ पर अपने बहुत योजनाएं चलती है, बहुत योजनाएं बनती भी है, लेकिन वो कागजों में दफन होकर रह जाती है, आम जनता तक उसका लाभ नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ये कैसा विवाद था अपने कृषि बनाम उद्योग। दूसरा मैटर आता है भैया निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र का मतलब हो गया भैया जिसके ऊपर किसका अधिकार हो, किसी निजी व्यक्ति का, किसी कंपनी का, किसी फर्म का अधिकार हो, वह कैसा क्षेत्र हो गया, निजी क्षेत्र। दूसरा भैया सार्वजनिक क्षेत्र, जिसके ऊपर पूरे समाज का अधिकार हो, सरकार का अधिकार हो, समुदाय का अधिकार हो, वह कैसा हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र। देखो भैया, यहाँ पर अपने विकास के दो मॉडल है भैया, आप सबको पढ़ाया हुआ है मेरा, पहले भी ये आपको बताया, विकास के जाने माने दो मॉडल है। एक मॉडल कौन सा है, पूंजीवादी मॉडल, और दूसरा मॉडल कौन सा है भैया, समाजवादी मॉडल। ठीक है, इन दोनों की खास बात क्या है, देखो भैया पूंजीवादी मॉडल आपको पता है किसने अपनाया था, अमेरिका ने अपनाया था। समाजवादी किसने अपनाया था, सोवियत संघ ने अपनाया था। पूंजीवादी मॉडल जो ये कहता है कि जो स्वामित्व होता है उसके ऊपर पूंजीपतियों का अधिकार होता है, जो संसाधन होते हैं उसके ऊपर किसका अधिकार होता है, पूंजीपतियों का अधिकार होता है, वो तो हो गया पूंजीवादी। और जो कहता है कि नहीं, इस पूरे समाज का अधिकार होता है, वो कैसा हो गया, समाजवादी। तो पूंजीवादी मॉडल अपनाया था भैया अमेरिका ने, और समाजवादी मॉडल अपनाया था किसने, सोवियत संघ ने। दोनों में देखो अंतर क्या है, यह निजीकरण को महत्व देता है। यह कहता है कि अधिक से अधिक क्या होना चाहिए, निजीकरण होना चाहिए। यह निजीकरण का क्या करता है, विरोध करता है। इसमें भैया मजदूरों का क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है। पूंजीवादी जो प्रणाली है इसमें क्या होता है, पूंजीवादी मॉडल में क्या होता है, मजदूरों का शोषण किया जाता है, जबकि इसमें क्या होता है, मजदूरों का शोषण नहीं होता, इसमें राज्य का स्वामित्व होता है। ठीक है, इसमें भैया प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होती है। क्यों, क्योंकि इसका मकसद होता है अधिक से अधिक पूंजी इकट्ठी करना, अधिक से अधिक धन कमाना, अधिक से अधिक पैसे कमाना, जबकि इसमें भैया प्रतिस्पर्धा नहीं होती। इसमें सभी लोगों को समान विकास के ऊपर बल दिया जाता है, अर्थात समानता के ऊपर बल दिया जाता है। इसमें अधिक से अधिक किसके ऊपर बल दिया जाता है, व्यापार पर बल दिया जाता है, इसमें व्यापार पर बल नहीं दिया जाता। तो ये दो मॉडल हो गए भैया। अब भारत जो था, भारत के सामने आज़ादी के बाद में ये समस्या आ गई कि अपने कौन सा मॉडल अपनाए, पूंजीवादी मॉडल अपनाए या अपने समाजवादी मॉडल अपनाए। तब भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हालांकि वो पक्षधर किसके थे, समाजवादी मॉडल के थे, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर अपने भैया बुद्धिमता से काम लेते हुए ना तो पूंजीवादी मॉडल को अपनाया और ना ही समाजवादी मॉडल को अपनाया। इन्होंने कौन से मॉडल को अपनाया, इन दोनों ही मॉडलों से अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण किया, दोनों ही मॉडलों का गहन अध्ययन करके, इनसे अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करके एक नया मॉडल अपनाया, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल के नाम से जाना जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल किसने अपनाया था, भारत ने अपनाया था। इसकी खास बात क्या थी भैया, इसमें कुछ गुण किसके, पूंजीवाद के थे, तो कुछ गुण किसके थे भैया, समाजवाद के थे। ठीक है, और भारत की जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी भैया वह लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित थी। उसमें निर्णय जो है वो जनप्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते थे, किसी पूंजीपति के द्वारा, किसी उद्योगपति के द्वारा नहीं लिए जाते। और भारत की जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें सभी वर्गों के कल्याण पर आधारित अर्थव्यवस्था थी, जिसमें सभी वर्गों का सम्मान, सभी वर्गों का सम्मान कल्याण, सभी वर्गों का सम्मान विकास पर बल दिया गया। तो आज की क्लास में भैया अपने इतना ही, आगे चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो में। आप कॉपी निकालो और हेडिंग लगाओ द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और जैसे मैं बोल रहा हूँ भैया वैसे स्पीड से लिख लो, इसमें लिखो द्वितीय ये अवधि ऐसा का ऐसा लिख लो। ठीक है, उद्योगों पर बल या औद्योगिकरण पर बल दिया गया, पीसी महालनोबिस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तेज गति से विकास पर बल दिया गया। फिर आगे लिखो भैया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देशी उद्योगों को संरक्षण
देने पर बल दिया गया जिसके लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। फिर आगे लिखो, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बिजली, रेलवे, इस्पात व संचार के ऊपर भी बल दिया गया। ठीक है यहाँ तक। फिर हेडलाइन लगाओ केरल मॉडल, इसमें लिखो भैया केरल में विकास और नियोजन के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई उसे ही केरल मॉडल के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, गरीबी उन्मूलन पर बल दिया गया। यहाँ तक हो गया। फिर आप हेडिंग लगाओ मुख्य विवाद कृषि बनाम उद्योग, कृषि बनाम उद्योग, और इसमें लिखो भैया थोड़ा सा कृषि बनाम उद्योग हेडिंग लगा लो और इसमें लिखो। इसमें लिखो भैया द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास का मुद्दा बहुत उलझा हुआ था। यह बड़ा सवाल था कि कृषि तथा उद्योग में से किसमें ज्यादा संसाधन लगाए, किसमें ज्यादा संसाधन लगाए। अनेक विचारकों का मत था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास की रणनीति का अभाव था तथा योजना के दौरान उद्योगों पर जोर देने के कारण कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को हानि उठानी पड़ी। शहरी क्षेत्र समृद्ध हुए और गांवों को लाभ नहीं मिला। यह पंक्ति चौधरी चरण सिंह ने कही जो किसानों के मसीहा माने जाते हैं। इनके जन्मदिवस को प्रतिवर्ष 23 दिसंबर किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता थे, बाद में ये कांग्रेस से अलग हो गए और इन्होंने भारतीय लोकदल के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बनाई। ठीक है, फिर आगे लिखो भैया। कुछ लोगों का मानना था कि औद्योगिक विकास के बिना गरीबी से मुक्ति नहीं मिल सकती। राज्य ने भूमि सुधार कानून बनाए, सिंचाई परियोजनाएं बनाई, लेकिन लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। ठीक है, अब हेडिंग लगाओ आप। हेडिंग लगाओ भैया निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। पहले तो इनमें भी अंतर कर लो, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र जो है इनमें अंतर करो आप। इस प्रकार से एक बना लो, एक साइड में निजी क्षेत्र, एक साइड में सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, ऐसे लिख लो और उनमें अंतर लिखो भैया। निजी क्षेत्र की साइड में लिखो इनको संचालित करने का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत होता है, सार्वजनिक में लिख लो
सार्वजनिक क्षेत्र का संचालन सरकार द्वारा होता है। फिर निजी क्षेत्र की तरफ लिखो, निजी क्षेत्र व्यक्तिगत लाभ पर बल देता है। निजी क्षेत्र में पूंजी का केंद्रीकरण होता है। फिर सार्वजनिक क्षेत्र की तरफ लिख लो, सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी का विकेंद्रीकरण होता है। निजी क्षेत्र की तरफ लिखो भैया, निजी क्षेत्र के उद्योगों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ वर्ग संघर्ष तथा श्रम संघर्ष की कोई संभावना नहीं रहती। वर्ग संघर्ष तथा श्रम संघर्ष की कोई संभावना नहीं रहती। फिर सार्वजनिक क्षेत्र उसकी तरफ लिख लो, सार्वजनिक उद्योगों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, फिर हेडिंग लगाओ भैया, पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल, इनको ऐसा का ऐसा उतार लो। पूंजीवादी मॉडल इसमें लिखो, यह अमेरिका ने अपनाया, इधर लिख लो यह सोवियत संघ ने अपनाया, इधर लिख लो यह निजीकरण को महत्व देता है, यह निजीकरण का विरोध करता है, इधर लिख लो ये पूंजीवादी मॉडल में मजदूरों का शोषण होता है, इधर लिख लो इसमें राज्य का स्वामित्व होता है, मजदूरों का शोषण नहीं होता। पूंजीवादी मॉडल में लिखो भैया, यह मॉडल प्रतिस्पर्धा पर बल देता है, यह समानता पर बल देता है, इधर लिख लो इसमें पूंजीवादी मॉडल में अधिक से अधिक व्यापार पर बल दिया जाता है, समाजवादी मॉडल में व्यापार पर अधिक बल नहीं दिया जाता। ठीक है, फिर इसके नीचे लिखो भैया, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, भारत ने पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही मॉडलों में से किसी भी मॉडल को न अपनाते हुए इन दोनों से अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करके मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया। ठीक है, आज के लिए भैया इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।